एक साल पहले तक कहा जाता था कि हमास के लड़ाके सिर पर कफन बांधकर चलते हैं। कहा जाता था कि हिजबुल्ला के 50,000 लड़ाकों ने इसराइल पर हमला बोल दिया तो इसराइल रोक नहीं पाएगा, लेकिन पिछले एक साल में इसराइल ने इस कहावत को बदलकर रख दिया है। हमास और हिजबुल्ला के नाम से इसराइल को डराने वाले अब खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। हमास और हिजबुल्ला की बात तो छोड़िए, इन दोनों आतंकी संगठनों के पालने पोसने वाला ईरान खुद इसराइल के नाम से खौफ में है। अपने दो दो चीफ की हत्या के बाद अब हमास ने तय किया है कि संगठन के नए मुखिया की पहचान दुनिया में छिपाकर रखी जाएगी, क्योंकि इसराइल ने पहले हमास चीफ इस्माइल हनिया को जहन्नुम पहुंचाया। इसके ढाई महीने बाद हमास के नए चीफ यहया सिनवार को भी उसी के पास भेज दिया। इसके बाद हमास के नए चीफ की रेस में कई नाम सामने आए, जिसमें खलील अलहया, खालिद मिशाल, मूसा अबी मरजौक, जहीर जबरीन, मोहम्मद इस्माइल दरविश इस पद के प्रमुख दावेदार माने गए। इन पांचों में से एक को संगठन का सरगना चुनने का फैसला करने से पहले हमास ने एक बड़ा फैसला किया कि इस बार वो अपने नए चीफ का नाम सीक्रेट रखेंगे, ताकि इसराइल को ये पता ही ना चल पाए कि हमास का नया चीफ कौन है, जिससे कि इसराइल उसे मारने के पीछे ना पड़े और हमास का नया चीफ संगठन को फिर से जिंदा करने की कोशिश करे। इसी खौफ में ईरान का दूसरा प्रॉक्सी हिजबुल्ला भी जी रहा है। इसराइल ने एक हफ्ते के भीतर हिजबुल्ला के तीन नए चीफ को मार गिराया, जिससे हिजबुल्ला ब्रिगेड भीतर तक खौफ से भर गई है। 27 सितंबर को हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। उसके 24 घंटे के भीतर ही यानी 28 सितंबर को हिजबुल्ला का नया चीफ खलील यासीन मारा गया। उसके 6 दिन बाद 3 अक्टूबर को हिजबुल्ला के तीसरे नए चीफ हाशिम सफीद्दीन को भी इसराइल ने मार गिराया। इसीलिए हिजबुल्ला के नए चीफ शेख नईम कासिम को अब ये डर सताने लगा है कि ना जाने कब उसके ऊपर भी इसराइल का बंकर बस्टर बम गिर जाए और उसके चीथड़ उड़ जाए। बताया जा रहा है कि इसी डर से नईम कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है। दावा किया जा रहा है कि कासिम ने लेबनान छोड़कर फिलहाल ईरान की राजधानी तेहरान में पनाह ली है। इजरायली न्यूज वेबसाइट यरूशलम पोस्ट ने अमीराती वेबसाइट अरम न्यूज के हवाले से दावा किया है। रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्ला नेता नईम कासिम को डर है कि नसरल्लाह की तरह उसको भी टारगेट करते हुए इसराइल हमला कर सकता है, इसीलिए कासिम ने ठिकाना बदल दिया और अब वो लेबनान की बजाय ईरान में रहना ज्यादा सुरक्षित समझ रहा है। हमास और हिजबुल्ला का नामोनिशान मिटाने की कसम खा चुके इसराइल ने एक दिन पहले हिजबुल्ला की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।